अलग अलग रेस्टोरेंट में जाके अलग अलग डिशेस ट्राई करने वाले हैं. सो यू विल गेट टू नो लॉट्स ऑफ रेस्टोरेंट्स आप अलग अलग डिशेस ट्राई करो. सो हाय गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो. तो आज हम आए हैं टिबेट कॉलोनी. सो ये क्लेमेंटाइन वाली. सो यस गाइस, हम लोग एंटर कर चुके हैं टिबेट कॉलोनी, आप देख सकते हैं. तो हम यहाँ पे डिफरेंट डिशेस ट्राई करने वाले हैं इनकी, और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज कुछ कुछ डिशेस का नाम हमने सुना भी नहीं है. एग्जैक्टली, और डिशेस होते हैं यहाँ की स्पाइसी, और हम लोग तो मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है स्पाइस खाने. मैं तो स्पाइस लवर हूँ. थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज को झेल लेना यार, इतना तो कर ही सकते हो. फोकस करो. एक और बात, हम अलग अलग रेस्टोरेंट में जाके अलग अलग डिशेस ट्राई करने वाले हैं. तो यू विल गेट टू नो लॉट्स ऑफ रेस्टोरेंट्स आप अलग अलग डिशेस ट्राई करो. सो हाय गाइस, हम सबसे पहले आ चुके हैं लाफिंग हब, जो यहाँ क्लेमेंटाउन में सबसे ज़्यादा फेमस है. सो देखो ना, इन्होंने कुछ पोटैटो स्टार्च से बना हुआ एक जेली टाइप्स हुआ, उसके ऊपर चटनी डाली और सारे मसाले जो हमने ऑर्डर करे थे, जो भी फ्लेवर हमने ऑर्डर करे थे वो डाले. वो थे वाई वाई और नमकीन. तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ट्राई करने के. वी आर रेडी विद द लाफिंग एंड देखो एक्साइटेड फेस. बट आंट यू स्केयर्ड, लाइक उन्होंने ऊपर मिर्च भी डाली. स्पाइस लवर वाज स्केयर्ड. चलो खाएं. आपको चॉपस्टिक्स यूज करनी आती है? थोड़ी थोड़ी. ओके नाइस, चल गया. चलो थोड़ा टेस्ट समझ लिया ना. मेरे को भी ट्राई करना है, फिर मैं बताऊंगी अपना टेस्ट. रो ओके. लैपिंग मैं ट्राई करती हूँ, मैं बताती हूँ. आई एम द मास्टर शेफ. आई एम द मास्टर शेफ, तो मैं टेस्ट करके बताती हूँ. मास्टर शेफ, क्या हो गया मास्टर शेफ को? व्हाई इज मास्टर शेफ सो कंफ्यूज्ड? पता नहीं, ठंडा है. मुझे मिर्ची लगी जो तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद आती. कोई ठंडा है, उसको बार बार टेस्ट करें. पता नहीं ऊपर लगी दे रहे हैं, बहुत टेस्टी किया. पता नहीं क्यों ऐसे लगा. दो तीन बार खाओ फिर जाके फ्लेवर आएंगे तुम्हें. तो अब हम साथ में ट्राई करेंगे. मुझे चॉपस्टिक्स यूज करना फिर अच्छे से नहीं आता. टेस्टी है ये. आफ्टर थर्ड बाइट अब हमें रियलाइज हो रहा है कि हाँ टेस्टी है. और ये बहुत टेस्टी है, मतलब सो गुड. जो ठंडा है ना वो लाफिंग गम, वो तो मैं और भी. हमने दो टाइप के ऑर्डर की थी, वाई वाई और नमकीन. अब हम नमकीन ट्राई करते हैं. स्पाइसी है अगर, इफ यू आर अ स्पाइस लवर ना, तो लाफिंग इज फॉर यू. सो गाइस, अब हम अपनी नेक्स्ट जगह आ चुके हैं, तो अब चलते हैं और ट्राई करते हैं. सो हम एक और जगह आ चुके हैं जिसका नाम है फैबुलस. यहाँ पे हमने ऑर्डर किया तीन चीज़ें ऑर्डर की हैं हमने. थुपका, शफाले और बाय बाय सारे. तो हम ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं. वेटिंग फॉर अवर ऑर्डर. सो वी आर इन द किचन. ये नूडल्स के लिए थुपका है, वाइवा सैलेड भी रेडी हो चुका है, और ये किचन है सारी रेडी. और यहाँ पे शबाले फ्राई हो रहे हैं, और यहाँ थुपका के लिए उसकी मसाला काइंड ऑफ तैयार हो रहा है. पहले हमें लगा ये ना शबाले हमें नूडल्स के साथ देंगे, मुझे नहीं पता थुपका के लिए. थुपका, वाइवा सैलेड, शबाले खाते हैं. अब हमारे पास है थुपका, वाइवा सैलेड और ऐसा तो हमारे गुजिया होती है, मतलब दिखने में नमकीन गुजिया. नाइस नाइस, वेरी नाइस. तो शबाले वाज रियली गुड. उसके बाद शबाले इज काइंड ऑफ गुजिया वाला या फिर और फिलिंग इसकी मोमो जैसी. हाँ. तो फ्राइड मोमो कह सकते हो, काइंड ऑफ फ्राइड मोमो बट लाइक गुजिया. यस. सो नेक्स्ट अप वी हैव इज बाय बाय सैलेड. और सैलेड तो लग ही रहा है, सब्जियां वाला है, स्पून फुल ऑफ सैलेड. ऐसे सैलेड हो तो मैं तो रोज खाऊं. Exactly. थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा, थोड़ी सी बिकॉज आई गेस स्पाइस है थोड़ा सा. यहाँ पे हर चीज़ में इतना स्पाइस है, ये भी थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, हम नहीं खाते हैं. सो विद टेस्ट वाइज वाज गुड. घर पे तो मैं पक्का बनाऊँ. नाइस नाइस नाइस. सो नेक्स्ट अप इज
थुक्का, सॉरी मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी, मैंने टेढ़ा किया तो वो गिर जाएगा। थुक्का एक्चुअली देखने में नूडल्स होते हैं ना। थुक्का मैं दिखाती हूँ आपको, दिखाई देता है। दिस इज थुक्का। बाकी मैं फोटोज इंस्टाग्राम पे डालूंगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ से देख लेना। इंस्टाग्राम का नाम कहीं इधर या इधर उधर कहीं कहीं तो आ ही रहा होगा। मुझे नहीं पता था ये नूडल्स होते हैं। थुक्का इज नूडल्स यार, सूपी नूडल्स। अबे ये तो हम जैसे चाउमिन वाली दुकान पे जाके बोलते हैं चाउमिन की प्लेट पर भैया एक्स्ट्रा सूप। ओके यूनिक नाम, लेट्स ट्राई थुक्का। आई नीड अ प्लेट या फिर मैं इसको मेरी चॉपस्टिक के ऊपर जो टेस्ट नहीं करता। बाय बाय साले, तो मुझे इतनी भूख लगी कि मेरे आंसू आ गए दो मिनट। थुक्का तो थुक्का इज अ काइंड ऑफ सूपी नूडल्स बॉइल्ड चाउमिन। हाँ इट इज बॉइल्ड, हाफ बॉइल्ड चाउमिन विद सूप। सो खाने के लिए इट्स लाइक अच्छा है ना, अगर आपको ज़्यादा मसाले वाला नहीं खाना, जैसे सूप वाला आप कुछ खाना है तो इट्स रियली गुड। बस हमारे कलर देखो when you don't know how to use chopsticks. We are trying to learn. मेरे मुंह में घुस आ गया। Eating chopsticks. तो हम fabulous restaurant से आ गए हैं। उस restaurant की vibes बहुत अच्छी थी and खाना भी अच्छा था। Tibetan food हमने first time try किया है और हाँ अच्छा लगा guys. So me and Shreya decided to get these. Shreya, these are the things. So, go best friend. Hmm, मेरा नहीं दिख रहा है इधर। Yeah. So after getting those souvenirs, see what we found on our way to Buddha temple. Cute. ये बहुत प्यारा था यार। और ये सबको मारे जा रहा था। So अब हम चलते हैं Buddha temple की तरफ। सिर्फ ये लोग नहीं हैं। टेम्पल हमारे लिए बंद करा दिया। तो बिहेवियर पूजा, चलो लेट्स गो। सैड बट हमने सोचा था कि मे बी दूसरा गेट खुला हो बट वो भी बंद था। बट कोई बात नहीं, काफ़ी अच्छा रहा हमारा टिबेटन कॉलोनी का टूर। दैट्स इट फॉर टुडे एंड हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत कुछ खाया। आई विल गो दिस। ओके सो यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे हमें, बहुत पोलाइट और मतलब बहुत थैंक्स गिविंग। और जब हम गए ना रेस्टोरेंट वगैरह में तो काफ़ी वेलकमिंग थे वो। या एक अपने आप ऑटोमेटिकली मुँह पे स्पाइस, खाना स्पाइसी है तो स्पाइस लवर है काफ़ी ज़्यादा ना ये टिबेटन लोग। तिब्बतियन लोग कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सो हाँ हम और हमने बहुत कुछ गलत प्रोनाउंस किया होगा फॉर श्योर डिशेज का नाम एंड ऑल। सो वी आर रियली सॉरी फॉर दैट, वी आर लर्निंग इट बट वी आर रनिंग। कीप वॉचिंग, बाय बाय बाय।